यहाँ बीजेपी अभी आई नहीं है रागिनी नायक, द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया है रागिनी, आप कितना बचाने की कोशिश करेंगी कि 15,399 कश्मीरी मारे गए, पर आपने कहा 15,000 मुसलमान मारे गए। हिंदू इतने मरे, मुसलमान इतने मरे, दिस इज मोस्ट शेमफुल फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी विच हैज रूल्ड द कंट्री फॉर 70 years। 19 जनवरी की 1990 की बात कर रहे हैं आप, किसकी सरकार थी वहां पे? कश्मीर की मस्जिदों से नारे क्या लग रहे थे? सिचुएशन ऐसी हुई 90 में, वो हर एक के लिए हुई, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी। लेकिन झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए झूठ बोल रहे हैं, पैदा हो गया कश्मीरी मुसलमान पैदा हो गया। मेरे दो मेहमान अभी भी आपने देखा, ये डिबेट का कुछ ही अंश था, यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस आए, बहुत सारा गुस्सा आया। अभिषेक अग्रवाल साहब जो द कश्मीर फाइल्स के निर्माता हैं वो भी हमारे साथ बने हुए, और प्रेम शुक्ला जी, उनसे अभी तक बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई है। सबसे पहले अभिषेक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, ये अचानक कश्मीर फाइल्स बनाने का आइडिया ये आया कैसे? क्योंकि सीधा सीधा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, इसको थोड़ा शुगर कोट करके दिखाया जा सकता था, लेकिन आप फला कौम के लिए आग भड़का रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। पहले तो धन्यवाद ईबीपी का मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सर। और खैर, हिंदू मुस्लिम मैं करने की कोशिश हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे? जो सच्चाई, हिंदू, हम हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो आज तक छुपा हुआ क्यों गया, किसकी सरकार थी सबको मालूम है। नहीं, पर हम हिंदू राष्ट्र कहाँ हैं, हम तो वी आर अ डेमोक्रेटिक सेटअप। हाँ, तो पहले से है ना सब, हिंदू राष्ट्र ही है अपन, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र मतलब आप हिंदू राष्ट्र उसको, कश्मीरियों को जो अत्याचार हुआ है वो तो बोलिए, हिंदू राष्ट्र आप पहले बना दिया, उससे ही समझ आ जाता है कि कहां से आपकी वैचारिक धारा बह रही है। बहरहाल आगे बताएं, ये जो सच्चाई है उसको बताने की कोशिश है, जो आज से छुपाई गई थी उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, 2018 में विवेक अग्निहोत्री जी ह्यूस्टन आए थे, और वहाँ पे एक चांस मीटिंग में मेरी ही मुलाकात उनसे हुई, और पिछले 10 वर्षों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग हुआ, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एक इंडिपेंडेंट कंट्री से एक पूरी कम्युनिटी का एथनिक क्लिंजिंग हो रहा है और इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये सारा पूरा अंडर द रग लगा दिया गया था। तो पिछले 10 वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे कि बॉलीवुड, क्योंकि सिनेमा का इम्प्रिंट काफ़ी स्ट्रांग रहता है माइंड पे, तो हम पिछले 10 वर्षों से एक प्रयास कर रहे थे आउटरीच करने का बॉलीवुड डायरेक्टर्स पे, ताकि इस जो स्टोरी, ये जो हुआ है, इस पे एक मूवी बनाई जाए। और मूवी इसलिए नहीं बनाई जाए कि वी हैव टू स्प्रेड हेट, वी हैव बीन ऑलवेज एम्बेसडर्स ऑफ पीस, मगर ये हिस्ट्री का एक हिस्सा था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से इंक्लूडेड नहीं था। नहीं, आयाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रागिनी नायक भी, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी। रूबिका, मैं फिल्म पर कह रही हूं, रागिनी जी बस एक बार, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी अब तक अपनी बात नहीं कह पाए, 32 मिनट हो गए हैं, मैं चाहती हूँ वो अपना एक ओपनिंग रिमार्क दे दे, आयाज साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सारे सवाल प्रेम शुक्ला जी, आज इसलिए है ना रागिनी जी, आपसे सवाल मैं नहीं करती, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके केरला ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन फ्यूचर की बात है, अब मैं फ्यूचर पर जाती हूँ। रागिनी जी, आप सुनिए, सब्र से सुनिए प्लीज, मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज, प्लीज एक सेकंड रुकिए रागिनी जी, प्लीज रुकिए तो सही एक सेकंड। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।